ये है ओप्पो रेनो 8 प्रो। यहाँ पे ओप्पो का ऑफिशियली अपडेट आ चुका है, ये बीटा वर्जन का अपडेट नहीं है, ऑफिशियली अपडेट है 13.1 कलर ओएस। और आपको पता है कि पिछले वीडियो में जो कि वन प्लस 9R में अपडेट आया था, उसके बाद 9R में ग्रीन लाइन आ गई थी, और ऐसा ही मेरे साथ ना हो इसीलिए मैं इसको अभी अपडेट नहीं करूँगा। इसका जो अपडेट है वो मैं 2 या 3 महीने के बाद ही करूँगा, क्योंकि अपडेट करने के बाद भी आपको कुछ ज़्यादा मिलता नहीं है स्पेसिफिकेशन में। जैसा आप फ़ोन डिवाइस यूज़ करते हो उसी टाइप का आप यूज़ करते रहोगे, ज़्यादा कुछ मिलेगा नहीं। तो मैं इसको अपडेट नहीं करूँगा, पहले अपना रिव्यू चेक करूँगा कि भाई 2 महीने के बाद कुछ प्रॉब्लम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उसके बाद ही मैं अपडेट करूँगा। क्योंकि अपडेट करने के बाद भी आपका डिवाइस जो है पहले जैसा ही काम करने लगता है, ऐसा कुछ ज़्यादा चेंज नहीं होता। नॉर्मली चेंजेस होते हैं सेटिंग्स में वगैरह वगैरह में, लेकिन यहाँ पे कुछ चेंज नहीं होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि ये जो डिवाइस है वो एक एंड्रॉयड डिवाइस है। iOS डिवाइस में बहुत सारे चेंजेस होते हैं अपडेट आने के बाद, लेकिन एंड्रॉयड में ज़्यादा कुछ चेंज नहीं होता। तो पहले मैं वेट करूँगा 2-3 महीना, उसके बाद ही मैं अपडेट करके देखूँगा, क्योंकि जो 9R में हुआ था वो मेरे साथ ना हो जाए इसकी वजह से। क्योंकि वैसे ही गलती मैंने कर ली थी नोट 5 प्रो में, रेनो 5 प्रो में और सैमसंग नोट 9 में। सैमसंग नोट 9 भी अपडेट के बाद मेरा डिस्प्ले ख़त्म हो गया था, रेनो 5 प्रो में भी अपडेट के बाद ही ये इशू आया था लाइनिंग वाला, और यहाँ पे 9R में भी अपडेट के बाद ही लाइनिंग वाला इशू आया है। तो ये मेरे साथ ना हो इसी वजह से मैं इसको अभी अपडेट नहीं करने वाला। 2 महीने के बाद मैं इसको चेकआउट करूँगा यूट्यूब पर वीडियो सर्च करके कि अपडेट के बाद कुछ प्रॉब्लम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उसके बाद ही मैं अपडेट स्टार्टअप करूँगा। आप लोग भी थोड़ा ध्यान रखिए, अपडेट कभी भी तुरंत मत कीजिए, हो सकता है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए नए सॉफ्टवेयर अपडेट में, डिस्प्ले में इशू आ जाए या तो फिर बैटरी में इशू आ जाए, नेटवर्क में इशू आ जाए या तो फिर डिवाइस भी डेड हो सकता है। तो पहले रिव्यू चेक कीजिए, जिन्होंने अपडेट किया है उनका रिव्यू पढ़िए पहले, उसके बाद ही आप भी अपडेट कीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको हमारे चैनल पर इसी तरह के यूज़फुल वीडियोज़ रेगुलरली मिलते रहेंगे।